रास्ता हुआ है। तो डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस बताई जा रही है जो कि पटरी से उतरी है, कुछ लोग इसमें अभी घायल हुए हैं। चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ आपको बता दें कि ये ट्रेन जा रही थी जो कि हादसे का शिकार हो गई। ट्रेन की दो बोगियां बताया गया है पलटी हैं, कई यात्रियों के जख्मी होने की जानकारी है। घटनास्थल पर रेलवे के कई अफसर मौजूद हैं, राहत और बचाव का काम शुरू कर दिया गया है। दो डिब्बे बताया जा रहा है कि डिरेल हुए हैं, पटरी से उतर गए। देखिए तस्वीरें भी आ गई हैं, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो ट्रेन दुर्घटना हुई है, ट्रेन की दो बोगियां पलट गई हैं, कई यात्रियों के जख्मी होने की इसमें जानकारी है। डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस है जो कि गुंडा के पास दुर्घटना का शिकार हो गई है। तस्वीरें देखिए, एक रेल हादसा हुआ है उत्तर प्रदेश के गुंडा में, जहां पर पटरी से उतर गई डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस, कई लोगों के घायल होने की जानकारी है। चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ जा रही थी ये ट्रेन जो कि हादसे का शिकार हो गई है। तो अभी फिलहाल फौरी तौर पर जानकारी यह है कि कुछ लोग इसमें घायल हो गए हैं, जिनको राहत और बचाव का काम शुरू कर दिया गया है, जिनको वहां से निकाला जा रहा है, रेस्क्यू किया जा रहा है। रेलवे के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं, रेस्क्यू का जो काम है वो शुरू कर दिया गया है। ये अहम जानकारी है इस वक्त की, ये बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश के गोंडा से, जहां पर पटरी से डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन उतर गई है, डिरेल हुई है ये ट्रेन और कई लोगों के घायल होने की आशंका है। तो उत्तर प्रदेश के गोंडा में ये ट्रेन हादसा हुआ है, डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस है, चंडीगढ़ से ये डिब्रूगढ़ ये ट्रेन जा रही थी, उत्तर प्रदेश के गोंडा में पटरी से ट्रेन उतर गई और घटनास्थल पर रेलवे के कई अधिकारी हैं जो कि मौजूद हैं। तो ये बड़ी जानकारी और बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो इस वक्त ये बड़ी जानकारी, रेल हादसा उत्तर प्रदेश के गोंडा में, और उत्तर प्रदेश के गोंडा में ये ट्रेन दुर्घटना का शिकार हो गई, कुछ डिब्बे पटरी से उतरे हैं, कुछ लोगों के घायल होने की भी जानकारी है। दो डिब्बे भी फौरी तौर पर बताया जा रहा है कि जो कि पटरी से उतर गए हैं, डिरेल हुए हैं, कुछ लोग इसमें घायल हुए हैं। उत्तर प्रदेश के गोंडा से ये बड़ी और अहम खबर है, देखिए तस्वीरें आपको दिखाते हैं। तो रेल दुर्घटना हुई है, दो डिब्बे बताया जा रहा है कि जो कि पटरी से उतर गए, डिरेल हो गए, कुछ लोगों के इसमें घायल होने की जानकारी है और ट्रेन की कई बोगियां हैं जो कि पलट गई हैं, कई यात्री इसमें जख्मी हैं। राहत और बचाव का काम फौरी तौर पर अभी वहां पर शुरू किया गया है। रेलवे के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं जो कि अब इस घटना की जांच कर रहे हैं, लेकिन फौरी तौर पर रेस्क्यू अभी फिलहाल शुरू किया गया है क्योंकि काफ़ी संख्या में लोग इसमें अभी भी फंसे हुए हैं, जिनको यहाँ से निकाला जा रहा है। दो डिब्बे हैं जो कि डिरेल होने के बाद पलट गए हैं, तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। ट्रेन की कई बोगियां बताया जा रहा है कि एक के बाद एक पलटी हैं। तो चंडीगढ़ ये एक्सप्रेस है जो कि डिब्रूगढ़ जा रही थी, उत्तर प्रदेश के गोंडा में ये रेल हादसे का शिकार हो गई चंडीगढ़ एक्सप्रेस, ये बड़ी खबर है, और पटरी से उतर गई। घटनास्थल पर रेलवे के आला अधिकारी पहुंच चुके हैं जो कि राहत और बचाव के काम में जुटे हुए हैं। तो रेल दुर्घटना हुई है, यह अहम जानकारी है, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं इस वक्त की, ये बड़ी खबर है। चंडीगढ़ एक्सप्रेस के कई डिब्बे पटरी से उतरे हैं, चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ की ओर ये ट्रेन जा रही थी, उत्तर प्रदेश के गोंडा में ये रेल हादसा हुआ है, जहां पर अभी फिलहाल ये बताया जा रहा है कि दो से तीन डब्बे हैं जो कि डिरेल हुए हैं, पलटे हैं, जिसमें कई यात्रियों के घायल होने की जानकारी है, जिनको तत्काल वहां से निकाला जा रहा है क्योंकि रेलवे के आला अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं। तो बड़ा रेल हादसा हुआ है उत्तर प्रदेश के गोंडा में, जहां पर ट्रेन की कई बोगियां पलट गई हैं, कई यात्री इसमें घायल हो गए हैं, उत्तर प्रदेश के गोंडा में ये रेल हादसा हुआ है। तो ये बड़ी जानकारी है, देख सकते हैं आप किस तरीके से ये जो बोगियां हैं वो डिरेल हो गई हैं, पटरी से उतर गई हैं और उसके बाद हादसा हुआ है। घटनास्थल पर रेलवे के कई अफसरों की मौजूदगी है, जिनको वहां पर भेजा गया है राहत और बचाव के लिए। फिलहाल अभी जो यात्री इसमें फंसे हुए हैं उनको निकालने का प्रयास किया जा रहा है, रेस्क्यू का जो काम है, राहत और बचाव का जो काम है वो वहां पर शुरू किया गया है। संख्या अभी कितने लोगों के घायल होने की यह स्पष्ट नहीं हो सका है, लेकिन कुछ यात्रियों को इसमें चोटें आई हैं जो जानकारी फिलहाल मिल रही है, और उनको रेस्क्यू किया जा रहा है, निकाला जा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से ट्रेन से जो यात्री हैं उनको बाहर निकालने की जो कोशिशें हैं वो लगातार की जा रही हैं। तो रेल हादसा हुआ है, अब ये जांच का विषय है कि दुर्घटना के कारण क्या रहे हैं, डिरेल ये ट्रेन कैसे हुई है। रेल हादसा हुआ है, बड़ा रेल हादसा है क्योंकि दो से तीन बोगियां अभी फिलहाल जो जानकारी मिल रही है, जो सूचना मिल रही है, उसमें बताया गया है कि डिरेल हो गई हैं, पटरी से उतर गई हैं। और इस बीच अहम जानकारी यह है कि एक शख्स की जान चली गई है, जो कि अभी आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि की गई है, कुछ लोग अभी इसमें घायल हैं। तो अब देखिए जब तक ये रेस्क्यू चलेगा, लगातार इस तरह से ये जो अपडेट्स हैं वो होती रहेंगी, क्योंकि अभी घायल कितने लोग हैं ये भी स्पष्ट नहीं हो सका है, लेकिन आधिकारिक तौर पर ये कहा जा रहा है कि हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, रेल हादसे में, जो कि चंडीगढ़ एक्सप्रेस, इसके कई डिब्बे बताया जा रहा है पटरी से उतरे हैं, एक यात्री की मौत की भी जानकारी सामने आई है। कई लोगों के अभी भी इसमें फंसे होने की आशंका है क्योंकि रेस्क्यू का काम अभी शुरू हुआ है।
तो रेल दुर्घटना हुई है। अचानक से आप देखिए कि किस तरह से चंडीगढ़ एक्सप्रेस के ये जो डब्बे हैं वो पटरी से उतर गए और उसके बाद ये रेल हादसा हो गया। एक शख्स की इसमें जान चली गई है। उत्तर प्रदेश के गोंडा में ये बड़ा रेल हादसा हुआ है। अभी भी कई लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं, इनको फौरी तौर पर वहाँ से रेस्क्यू करके आसपास के जो अस्पताल हैं वहाँ पर ले जाया जा रहा है और घटनास्थल पर रेलवे के जो आला अधिकारी हैं उनको रवाना किया गया है ताकि राहत और बचाव के काम को तत्काल और तेज़ी के साथ शुरू किया जाए। आसपास से भी आपको बता दें कि जो मदद है वहाँ पर भेजी जा रही है, लेकिन अभी फिलहाल आप देखिए जो तस्वीरें, पहली तस्वीरें जो वहाँ से आई हैं उसमें आप देख सकते हैं किस तरह से जो यात्री हैं वो खुद ट्रेन के इन बोगियों से बाहर निकल रहे हैं अपने सामानों को समेटते हुए। लेकिन अहम बात यह है कि एक शख्स की इसमें जान चली गई है जिसकी पुष्टि आधिकारिक तौर पर कर दी गई है। तो रेल हादसा हुआ है, ट्रेन कुछ बोगियाँ हैं जो कि पलट गई हैं डीरेल होकर के, जिसमें एक व्यक्ति की अभी मौत की सूचना है, कुछ लोगों के घायल होने की भी जानकारी सामने आ रही है। तो ये बड़ा हादसा हुआ है, बड़ी खबर है। गोंडा में ये ट्रेन हादसा हुआ, उत्तर प्रदेश गोंडा में। ये चंडीगढ़ एक्सप्रेस है जो कि चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ की ओर जा रही थी, उत्तर प्रदेश के गोंडा में ये रेल हादसा हो गया और अब एक शख्स की मौत की पुष्टि भी की गई है जिसमें कुछ लोगों के घायल होने की भी जानकारी है। कई बोगियाँ हैं जो कि पलटी हैं। अब हादसे के कारण क्या है ये सब जाँच का विषय है, लेकिन रेल हादसे आप देख रहे हैं कि लगातार इस तरह से देखने को मिल रहे हैं। और एक और बड़ा रेल हादसा उत्तर प्रदेश के गोंडा में हुआ है। उत्तर प्रदेश के गोंडा में ट्रेन की कई बोगियां बताया जा रहा है कि पलट गई हैं, जो कि चंडीगढ़ एक्सप्रेस है ट्रेन। और उत्तर प्रदेश के गोंडा में चंडीगढ़ एक्सप्रेस रेल हादसे का शिकार हो गई डिब्रूगढ़ की ओर। आपको बता दें कि ये ट्रेन जा रही थी और ये बड़ा रेल हादसा देखने को मिला है। तो इस वक्त की अहम जानकारी है, बड़ी खबर है। एक शख्स की जान चली गई है, कुछ लोगों के घायल होने की सूचना है और रेल हादसा हुआ है। तो चंडीगढ़ एक्सप्रेस जो कि रेल हादसे का, चंडीगढ़ एक्सप्रेस जो कि दुर्घटना का शिकार हो गई, रेल हादसा हुआ, तो बड़ी और अहम जानकारी है। तत्काल मौके पर जो अधिकारी हैं वो पहुंचे हैं। इन सब के बीच में अपडेट ये भी है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी गोंडा में हुए ट्रेन हादसे पर संज्ञान लिया है। अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। राहत और बचाव के काम में तेजी लाई जाए और घायलों के समुचित उपचार का प्रबंध किया जाए, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से निर्देशित कर दिया गया है। हालांकि रेलवे के जो आला अधिकारी हैं वो भी मौके पर पहुंच चुके हैं और राहत और बचाव का काम शुरू किया गया है। एक शख्स की अभी मौत की पुष्टि आधिकारिक तौर पर की गई है, जो जानकारी फिलहाल सामने आ रही है।